हॉस्पिटल लेके गए डिस्ट्रिक्ट बारामूला, और वहाँ से मुझे रेफर किया गया बोन एंड जॉइंट्स में, जहाँ पे मेरा 3 दिन के बाद सर्जरी हो गई। वहाँ पे मतलब तब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे और मेरा मतलब ट्रीटमेंट भी अच्छे से नहीं हो पा रहा था, वैली में बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे इस वजह से। बाद जब वहाँ से मुझे डिस्चार्ज किया गया तो फिर वापस मैं घर चली गई, और घर से फिर मैं कुछ महीनों के बाद वापस बिमना आई वॉलंटियर मेडिकल सोसाइटी में, जहाँ से मैंने ये बास्केटबॉल ज्वाइन किया। वहाँ से वहाँ पे मैं 1 साल रही हूँ, मैं एक्सरसाइज करती थी वहाँ पे, और उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई। तो वहाँ पे एक्सरसाइज करती थी मैं, और मैंने कुछ लड़कों को देखा बास्केटबॉल खेलते हुए, उनको मैंने बोला कि मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन करूँगी। जब पहला कैंप हुआ श्रीनगर इंडोर स्टेडियम में, मैं भी वहाँ पे उस कैंप में चली गई, और वहाँ पे जब मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो वहाँ पे मेरी नेशनल की सिलेक्शन हो गई। फिर मैंने पहला नेशनल खेला तमिलनाडु में, मैं कश्मीर की अकेली लड़की थी 10 लड़कों के साथ। और उसके बाद दूसरा नेशनल भी मैंने खेला मोहाली में, तो मोहाली में मेरा परफॉर्मेंस अच्छा रहने की वजह से मुझे इंडिया कैंप की सिलेक्शन हो गई। रिसेंटली हमारी एक बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है व्हीलचेयर बास्केटबॉल की, जो एक प्लेयर है हमारी इशरत अख्तर जो बारामूला से बिलोंग करती है, उसकी रिसेंटली उसने वो पहली एक लड़की है हमारी यहाँ पे जिसने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट किया है व्हीलचेयर बास्केटबॉल में।